खतरनाक ट्रिक के अंदर। तो भाई लोगों पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। आपको क्या करना है, ऐसा टेबल नंबर चूज करना है जिसमें 200 से 250 जने खेल रहे हो, और जिस एप्लीकेशन के अंदर मैं खेल रहा हूँ उस एप्लीकेशन का नाम है रमी मैच। आपको डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और टेबल नंबर 4 को आपको सिंपल तरीके से ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पे भी दोस्तों दो बार ड्रैगन आ रहा है ना बैक टू बैक, तो आपको क्या करना है, दो बार टाइगर भी देगा ही देगा बैक टू बैक, ठीक है, टेबल नंबर 4 पे। तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, दो बार टाइगर पे भी बैक अमाउंट लगा देना है। देखो पिछली बार एक बार हमने टाइगर पे लगाया, तो अगेन से मैं क्या करूँगा दोस्तों, टाइगर पे सिंपल तरीके से लगा दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो पहले ही बैक में हमने विन किया था, और यहाँ पे दोस्तों अगेंस्ट दोस्तों हम लोगों ने क्या इजीली तरीके से विन कर लिया। अब बैक टू बैक हमने दो गेम विन कर लिया। देखो जब दो बार ड्रैगन देना तभी आप लोगों को दो बार टाइगर पे लगाना है, अदरवाइज आप लोगों को नहीं लगाना है। अगर एक बार ड्रैगन दे रहा है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट राउंड को स्किप करना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगेन से टाइगर के ऊपर बैक अमाउंट को लगा देते, क्योंकि नया सीरीज चल रहा है, यानी कि नया सीरीज जब भी चलता है तो आपको पता होगा कि दो बार टाइगर अगेन से वापस से देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से टाइगर के ऊपर बैक अमाउंट लगा देंगे। अब देखो ट्रिक को समझना, अब मैंने टोटल टाइगर पे कितनी बार लगाया, 3 बार, यानी कि 3 बार टाइगर आया दो बार ड्रैगन देने के बाद। तो अब देखो अब हमको पता चल चुका है कि भाई 3 बार टाइगर दिया, यानी कि दोस्तों अब कंफर्म क्या देगा, ड्रैगन देगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल तरीके से ड्रैगन पे हाफ अमाउंट लगाएंगे। देखो आपको ना कभी भी सारा का सारा बेट अमाउंट एक बार में अचानक से नहीं मारना है, आपको क्या करना है हर गेम में थोड़ा थोड़ा सा बेट अमाउंट लगाना है। फिर अचानक से दोस्तों तो आप लोगों को पता चल रहा है ना कि 100% यही आएगा, तो आपको क्या करना है, सारा का सारा बेट अमाउंट लगा देना है। तो अभी देखो 3 बार टाइगर दे दिया और 1 बार ड्रैगन दे दिया, यानी कि दोस्तों हमको पता चल गया कि भाई अभी 3 बार टाइगर देने के बाद अगेन से वापस से ड्रैगन देगा ही देगा। तो हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, ड्रैगन के ऊपर बेट अमाउंट लगा दिया था। तो अब भाई देखो अभी सिंपल सा ट्रिक है, अब मेरे को पता है कि भाई अभी अगेन से क्या आएगा, ड्रैगन आएगा। बट मैं क्या करूँगा, फिर भी थोड़ा सा बेट अमाउंट लगाऊंगा, और जो मेरे पास एक्स्ट्रा वाला है ना उसको मैं बैकअप में रखूंगा। देखो अभी मैंने सारा बेट अमाउंट इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि सीरीज दोस्तों चेंज हो चुका है। अभी दोस्तों आ चुका है टाइगर, तो देखो अभी 1 vs 1 चल रहा है, एक बार दे रहा है ड्रैगन, एक बार दे रहा है टाइगर। पहले चल रहा था दोस्तों 2 vs 3, दो बार ड्रैगन देने का 3 बार टाइगर दिया था। तो अभी देखो एक बार ड्रैगन दे दिया, एक बार टाइगर दे दिया, यानी कि दोस्तों जो अभी जो आने का चांसेस है उसके आने का चांसेस है, वो आने का चांसेस है दोस्तों टाइगर। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, सिंपल तरीके से जो बेट अमाउंट है वो सारा का टाइगर पे लगा दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो आप लोगों के सामने दोस्तों क्या आ चुका है, टाइगर आ चुका है, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब यही ट्रिक को दोस्तों आपको बार बार फॉलो करना है, अभी 2 और 8। अब देखो अब मेरे को पता चल गया कि भाई 2 बार टाइगर दे दिया और 1 बार ड्रैगन दे दिया। तो अब आपको मैंने जो ट्रिक समझाया वही आप लोगों को करना है, 2 बार टाइगर दे रहा है तो समझ जाना नेक्स्ट सीरीज में सीरीज चेंज हो जाएगा, यानी कि टाइगर दे रहा है तो ड्रैगन हो जाएगा, और 2 बार ड्रैगन दे रहा है तो टाइगर हो जाएगा। अगर 2 बार टाइगर दे रहा है तो 1 बार ड्रैगन होगा, अगर 2 बार ड्रैगन दे रहा है तो 1 बार टाइगर होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो अभी वापस से क्या आया दोस्तों, टाइगर आया। अब अगर आप लोग देखोगे ना दोस्तों, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये सीरीज रिपीट हुआ था, यानी कि 2 बार ड्रैगन देने के बाद 3 बार टाइगर दिया था। तो देखो 3 बार टाइगर देने के बाद 1 बार ड्रैगन दिया, यानी कि इस बार क्या आएगा, ड्रैगन आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल तरीके से ड्रैगन पे हमारा बेट अमाउंट लगा देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने दोस्तों क्या आया, ड्रैगन आया। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ जो आप में से